पिछले क्लासेस में हमने आपको पॉलीमर का डेफिनेशन एज वेल एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के टाइप के बारे में बताया था। हमने ये बताया था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किस किस तरीके से हो सकता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैसे हो सकता है। हमने एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर के प्रॉपर्टीज को भी कंपेयर किया था, एज वेल एज हम लोग स्टडी शुरू किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का। हमने सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था पॉलीमर का ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर फॉर्मिंग पॉलीमर। अगर एक मोनोमर आपका पॉलीमर फॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर, और अगर एक से ज्यादा पॉलीमर अगर आपका पॉलीमर फॉर्म करता है, एक से ज्यादा मोनोमर अगर पॉलीमर फॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमर। एक्चुअल में एक पॉइंट है, जैसे कि हम लोगों ने ये डिवीजन किया था उसको हम लोग थोड़ा सा प्रेजेंट लिखते हैं। पहला हमने डिवीजन यही किया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर, जो मोनोमर है टाइप ऑफ मोनोमर पॉलीमर आर ऑफ टू टाइप्स, पॉलीमर जो होगा दो तरह का होगा, पहला होमोपॉलीमर ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर इज प्रेजेंट, सिर्फ एक तरह का मोनोमर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर, और दूसरा होगा कोपॉलीमर जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर प्रेजेंट। एक से ज्यादा तरह का मोनोमर प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कोपॉलीमर, एक पॉलीमर प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे होमोपॉलीमर। गौर करने वाली बात है कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर। ठीक है, कोपॉलीमर जो होगा वो चार तरह का होगा। पहला हम कह सकते हैं, पहला है रैंडम कोपॉलीमर जिसमें कि पॉलीमर जो होगा जो मोनोमर होगा पॉलीमर में जो मोनोमर्स होगा वो रैंडम ऑर्डर में अरेंज होगा, ए बी ए ए बी ए ए ए बी 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 इस तरह से होगा। ठीक है, ये रैंडम कोपॉलीमर है। दूसरा है अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर का मतलब होता है अल्टरनेट ऑर्डर में जो होगा मोनोमर प्रेजेंट होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरह से अल्टरनेट ऑर्डर में आपका मोनोमर प्रेजेंट होगा। तीसरा होता है ब्लॉक कोपॉलीमर जिसमें क्या होगा एक बार ए प्रेजेंट होगा पूरा और फिर बी 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 प्रेजेंट होगा, इस तरह के पॉलीमर को हम लोग कहेंगे ब्लॉक पॉलीमर। और चौथा होता है ग्राफ्ट पॉलीमर, ग्राफ्ट कोपॉलीमर जिसमें से क्या होता है एक मोनोमर जो होता है लिनियर चेन बनाता है और इसमें दूसरा मोनोमर जो होता है कुछ कुछ जगह पे ब्रांच रहता है, इस तरह के पॉलीमर को हम लोग क्या कहेंगे ग्राफ्ट पॉलीमर। तो चार तरह का कोपॉलीमर हो सकता है, रैंडम अल्टरनेटिंग ब्लॉक्ड और ग्राफ्ट। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का जिसमें मोनोमर एक है या एक से ज्यादा है
उसके आधार पे हमने पॉलीमर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, होमो पॉलीमर और कोपॉलीमर। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलीमर इज ऑफ थ्री टाइप्स। सोर्स के आधार पे किस तरह का सोर्स है पॉलीमर का, उसके आधार पे पॉलीमर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या होगा डिवीजन? पहला नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर नेचर से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर नेचर से ऑब्टेन होगा। और इस एग्जांपल की बात करें तो आप समझ सकते हो प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रबर, नेचुरल रबर, ये सब क्या है आपका नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है, नेचर से एक्सट्रैक्ट होता है। दूसरा है सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होगा? नेचर से ऑब्टेंड होगा एज वेल एज उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है, ऑब्टेंड, ठीक है, सम मॉडिफिकेशंस आर, इसका लिख सकता हूं, सम मॉडिफिकेशंस आर मेड इन लेबोरेटरी, इन लैब, इन नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में अगर कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए लैब में, इसको हम लोग कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे कि एग्जांपल में हो जाएगा सेलुलोज एसीटेट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रेयॉन, ठीक है, सेलुलोज नाइट्रेट, ये सब जो हो गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। समझ सकते हो आप कि सेलुलोज आपका जो है नेचुरल पॉलीमर है, उसमें एसीटेट में हम एसीटेट ऐड किया है लेबोरेटरी में, जिसके कारण से वो सेमी सिंथेटिक फॉर्म में चला गया है। और तीसरा होता है सिंथेटिक, जो पूरी तरह से क्या होगा, मैन मेड होगा, ठीक है, मैन मेड पॉलीमर है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। लेबोरेटरी में जो बनाया जाता है उसको हम लोग कहेंगे, जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो पॉलीथिलीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे क्या है, आगे हम लोग को पढ़ना है बैकलाइट, ठीक है, ये सब पॉलीमर जो है आपका सिंथेटिक पॉलीमर है। तो ऑन द बेस ऑफ सोर्स पॉलीमर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एज फॉलोस। अब देखिए पॉलीमर का डिवीजन हम लोग उसके स्ट्रक्चर के आधार पर भी कर सकते हैं, कि किस तरह का स्ट्रक्चर है पॉलीमर का, उसके आधार पर भी पॉलीमर को हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो तीसरा है तरीका ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स के आधार पे पॉलीमर जो होता है वो तीन तरह का होता है, जैसे पहला लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर की बात करते हैं। देखिए लीनियर पॉलीमर में क्या होता है, चेन्स जो होता है पैरेलली प्रेजेंट होता है, जो चेन होगा पॉलीमरिक चेन होगा वो क्या होगा, पैरेलल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसमें होगा पॉलीमरिक चेन आर प्रेजेंट
polymeric chains are present, ठीक है, in present parallel to each other, without linkage between them, without any linkage, उसके बीच में कोई लिंकेज नहीं होगा इस तरह में। जो कह सकते हो लिंकेज का मतलब यही है कि जो बॉन्डिंग है मेनली उस तरह का लिंकेज नहीं होगा। वैसे तो वंडरवाल बॉन्डिंग तो डेफिनेटली है कि अकर करता ही है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो एक अलग इश्यू है। इस तरह का एग्जांपल कह सकते हो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दूसरा होगा ये लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल हुआ, दूसरा हुआ ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर क्या होगा? ब्रांच पॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर होगा जिसमें कि जो लीनियर चेन है वो आपस में बॉन्डेड होगा एट सम पॉइंट्स, कुछ कुछ जगह पे बॉन्डेड होगा, जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीमरिक चेन्स आर प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर, एंड बॉन्डिंग बिटवीन देम, इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड बॉन्डिंग बिटवीन देम इज प्रेजेंट, जैसे कि ये होगा इसमें बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। ऐसे इसका एग्जांपल होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, और तीसरा जो पॉलीमर होगा वो होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इस तरह का पॉलीमर जो होगा बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप जिस तरह के चेन में प्रेजेंट होगा उसमें एग्जिस्ट करेगा। दिस टाइप ऑफ पॉलीमर एग्जिस्ट इन मोनोमर having bifunctional, and trifunctional group, present in the chains, ठीक है। चेन में क्या होगा? bifunctional, trifunctional group present होगा तब इस तरह का पॉलीमर एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर इसके एग्जांपल की बात करें, इसके फिगर की बात करें, तो इस तरह का होगा ये सिचुएशन, इसके बीच में लिंक होगा, इस तरह का जो होगा पॉलीमर का सिचुएशन होगा। इसके एग्जांपल की बात करोगे आप, इसके एग्जांपल होगा बैकलाइट, मेलामाइन, ये सब जो होगा इसका एग्जांपल होगा। ये सभी जो एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे, बैकलाइट क्या है, मेलामाइन क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है ये सब पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर के आधार पर भी पॉलीमर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि पॉलीमर जो होगा लिनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और क्रॉसलिंक्ड पॉलीमर होगा, ठीक है। अब देखिए जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है पॉलीमर के बीच में, पॉलीमरिक चेन होगा या पॉलीमर के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा उसके आधार पे पॉलीमर को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
molecular forces present in polymer on the basis of molecular forces present in polymer. ठीक है, it is of four types. ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि एक्चुअली मॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ वंडरवाल बॉन्डिंग, आर वंडरवाल बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, कहीं कहीं डाइसल्फाइड बॉन्डिंग वगैरह भी प्रेजेंट रहता है, ये सब डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स वगैरह होता है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स विच डिसाइड इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, इलास्टिसिटी, ठीक है, which decide important molecular properties tensile strength and elasticity. ठीक है, तो बात ये है, पहली बात कि ये फोर्स क्लासिफिकेशन है. पहली बात ये है कि मोलिकुलर फोर्सेस के आधार पे पॉलीमर को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जो मोलिकुलर फोर्सेस होता है, वंडरवाल बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होता है, जो कि इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी वगैरह डिसाइड करता है, और जिसके आधार पे हम लोग मतलब पॉलीमर का यूज डिसाइड करते हैं कि पॉलीमर का यूज क्या हो. जैसे इसमें जो टाइप होगा वो होगा पहला इलास्टोमर, ये क्या होगा, रबर लाइक पॉलीमर, ये रबर लाइक पॉलीमर है, इसमें वीक वंडरवाल बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, वंडरवाल बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, वीक वंडरवाल बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा इसमें, और इसीलिए जब इसको आप पुल करोगे तो ये स्ट्रेच होगा, और जब इसको आप छोड़ोगे तो क्या होगा, ये वापस अपने पोजीशन को रिगेन कर लेगा लाइक रबर. वल्कनाइज रबर कहना चाहिए हमें, क्योंकि नेचुरल रबर बहुत ज्यादा वो अपना स्ट्रक्चर रिटेन नहीं कर पाएगा, लेकिन वल्कनाइज रबर अपना स्ट्रक्चर रिटेन कर लेता है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड इट रिगेन इट्स शेप, इट सेफ व्हेन फोर्स इज रिलीज्ड. और जब ये मतलब फोर्स को रिलीज किया जाएगा तो अपना सेफ को अटेन कर लेगा. दूसरा होता है फाइबर, ये क्या होता है, मतलब फाइबर लाइक जो मटेरियल है इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर प्रेजेंट ड्यू टू विच इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो बेकलाइट,
ठीक है, नायलोन सबका एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे थर्ड वन, थर्मोप्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, बहुत बार इसको ठंडा गर्म करके इसको किसी पार्टिकुलर शेप में डाला जा सकता है, और ठंडा करने पे फिर ये क्या होता है, हार्ड हो जाता है। गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाएगा, ठंडा करने पे हार्ड हो जाएगा, ये बार बार किया जा सकता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमर, ठीक है, कैन बी सॉफ्ट व्हेन हीटेड एंड कैन बी हार्डेड व्हेन कूल। इस तरह का पॉलीमर जो होगा सॉफ्ट हो जाएगा जब इसको आप हीट करोगे, और हार्ड हो जाएगा जब आप इसको कूल करोगे, एंड हेंस इट कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स। बहुत बार इस तरह के पॉलीमर को हम लोग यूज कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक। और लास्ट होता है थर्मोसेट। इस तरह का पॉलीमर क्या होता है, अगर एक बार इसको गर्म करके ठंडा कर दिए, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर दे दिए, तो फिर वापस से इसको गर्म करके सॉफ्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगला होता है थर्मोसेट। इस तरह का पॉलीमर, दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज यूज्ड ओनली वंस, ठीक है, व्हेन, ठीक है, यूज ओनली वंस बिकॉज दे कांट बी सॉफ्टेन, आफ्टर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज यूज ओनली वंस because they can't be softened after softened on heating. हीट करके इस तरह के पॉलीमर को सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ एक बार यूज होगा थर्मोसेट। बैकेलाइट, मेलामाइन इसका एग्जाम्पल है। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल जो होगा पॉलीथिलीन है, ठीक है, पॉलीथिलीन इसका एग्जाम्पल होगा। बार बार इसको हम लोग रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मॉलिकुलर फोर्सेस के आधार पे आपका डिवीजन है ऑफ पॉलीमर। अब देखिए, अब एक और डिवीजन है जो हम लोग पढ़ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, on the basis of environmental degradation, there are two types of polymer. ठीक है, दो तरह का पॉलीमर होता है। पहला होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मोस्ट ऑफ पॉलीमर यूज होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार यूज करके इसको एनवायरमेंट में छोड़ देते हो तो एनवायरमेंट इसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा। एनवायरमेंट में जो भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है या एनवायरमेंट में जो रिएक्शन हो सकता है वो सब इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, और इसके कारण से ये सब पॉलीमर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो अधिकतर पॉलीमर नॉन बायोडिग्रेडेबल ही है, वो क्या करता है, सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है, और इसके कारण से सॉइल पॉल्यूशन होता है।
पॉलिथीन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बिकॉज पॉलिथीन को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है. एक बार जब आप पॉलिथीन यूज करके फेंक देते हो, थ्रो कर देते हो, तो वो पॉलिथीन जो होगा वो सॉइल में बहुत दिनों तक रह जाता है क्योंकि उसका बायोडिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है. मोस्ट ऑफ द पॉलीमर पॉलीमर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. Most of the polymers are non-biodegradable. That is, they can't be degraded. Why? Environmental factors. उन लोग को हम लोग degrade नहीं कर सकते हैं by environmental factors. Hence, they produce solid waste which cause soil pollution and other acute harmful effect on environment. ठीक है, जैसे कि पॉलीथीन या कोई भी नायलॉन 6 हो, विकलाइट हो, जितना भी आप जनरली सुनते हो पॉलीमर, अधिकतर जो है क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो क्या करता है, जिस तरह इस तरह का पॉलीमर जो होगा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, बायोडिग्रेड नहीं हो पाएगा. तो इसलिए नया तरह का पॉलीमर डेवलप किया गया है, बायोडिग्रेडेबल. दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज डिग्रेड बाय बायोकैटलिस्ट एंड एनवायरमेंटल. And environmental factors. This type of polymer is degraded by biocatalyst and environmental factors. इस तरह का जो polymer होगा वो biocatalyst और environmental factors के द्वारा क्या होगा, degrade होगा. जैसे कि पहला है PHBV. Full form इसका होता है poly बीटा ब्यूटाइरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट. ठीक है, ये PHBV है. इसमें होता क्या है, CH3 CH OH CH2 और COOH, इसको आप कहोगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. ये क्या करता है, वैलरेट मतलब 5 कार्बन वाला जो आपके पास एसिड है उसके साथ क्या होगा, जुड़ करके और आपको बना लेगा इस तरह का पॉलीमर OCH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH2 CH3 और फिर क्या CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O और O. यही जो है आपका PHBV का एग्जांपल. ये जो पॉलीमर होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि इसमें जो बायो पॉलीमर है उस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. इस तरह का फंक्शनल ग्रुप आसानी से डिग्रेड हो जाता है बायोकैटलिस्ट के द्वारा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा, क्योंकि ये सब जो है बायो पॉलीमर की तरह ही होता है. ठीक है,
तो एक एग्जांपल हमने आपको पीएच बीडी बताया। इसी तरह का दूसरा एग्जांपल है नायलोन टू नायलोन सिक्स, नायलोन टू नायलोन सिक्स। इसमें क्या होता है, ग्लाइसिन जो कि होता है एनएस टू सी एस टू और सी डबल ओ एच और प्लस, ठीक है, ग्लाइसिन प्लस सिक्स एमिनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। मतलब आपको एनएस टू सी एस टू का होल फाइव और सी डबल ओ एच कितना जुड़ जाएगा और बना लेगा क्या, एनएच सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ एनएच सी एस टू का होल फाइव और सी डबल बॉन्ड ओ और एनएच। यही जो है आपका क्या होगा, नायलोन टू नायलोन सिक्स का एग्जांपल है। नायलोन टू नायलोन सिक्स का एग्जांपल है यही। इसमें ये क्या होगा, एक कह सकते हो आप कि अल्फा एमिनो, आप इस तरह से कहो बेहतर है कि टू एमिनो इसका नाम होगा जो अल्फा नोमेनक्लेचर होगा, टू एमिनो इथेनोइक एसिड और इसमें है सिक्स एमिनो हेक्सेनोइक एसिड। ये दोनों क्या करेगा, आपस में जुड़ करके आपको नायलोन टू नायलोन सिक्स का पॉलीमर देगा। इसके अगर हम आयोपैक नेम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा टू एमिनो इथेनोइक एसिड और इसका नाम होगा सिक्स एमिनो हेक्सेनोइक एसिड। इसी तरह से अगर हम इसमें आयोपैक नेम की बात करें इसमें होगा थ्री हाइड्रोक्सी बीटेनोइक एसिड, इसका नाम होगा थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो ये जो है दो बायोडिग्रेडेबल जो है पॉलीमर का एग्जांपल है जो आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इसमें मोनोमर क्या है या कौन कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल है। तो इस तरह से हमने पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कर दिया है डिफरेंट तरीके से। सबसे पहला डिवीजन हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर फॉर्मिंग द पॉलीमर, उसके बाद ऑन द बेस ऑफ सोर्स किया, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर किया गया, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टेंसाइल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी जो मॉलिक्यूलर फोर्स डिसाइड करता है उसके आधार पर किया, और फिर हमने बायोलॉजिकल एक्टिविटी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो पाएगा कैटलिस्ट का पॉलीमर का इन प्रेजेंस ऑफ बायो कैटलिस्ट या नहीं हो पाएगा उसके आधार पे हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। इसके पहले हम लोग एक डिवीजन कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर के आधार पे कर चुके हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपको बताया हुआ है और उस आधार पर भी पॉलीमर को हम लोग डिवाइड करते हैं। मतलब टोटल सिक्स टाइप ऑफ डिवीजन है, टोटल सिक्स टाइप ऑफ डिवीजन है, स्टूडेंट्स टोटल सिक्स टाइप ऑफ डिवीजन्स आर प्रेजेंट। टोटल सिक्स टाइप ऑफ डिवीजन हम कहें किसी भी पॉलीमर को, आगे अगले क्लास में हम लोग पॉलीमर का टाइप पढ़ने जा रहे हैं, सभी में हम लोग सिक्स टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला यही एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर, सबसे पहले हम लोग ये डिवाइड करेंगे। दूसरा हम लोग नेचुरल या हम कह सकते हैं होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ये डिवीजन का टाइप होगा। तीसरा हम लोग नेचुरल सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक, तीसरा डिवीजन इस आधार पर करेंगे। चौथा डिवीजन लीनियर ब्रांच्ड
और क्रॉस लिंक्ड इसके आधार पे करेंगे। पांचवा हम लोग डिवीजन करेंगे इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट इसके आधार पे करेंगे। और छठा, ये पांच जो है आपका डिवीजन है और छठा जो है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ये करेंगे। तो कोई भी पॉलीमर जब हम लोग पढ़ेंगे तो सभी में इन छेदों को लिखेंगे, कौन सा पॉलीमर एडिशन पॉलीमर है, कौन जो है होमोपॉलीमर है, कौन नेचुरल है, लिनियर है या ब्रांच है, क्रॉसलिंक्ड है या इलास्टोमर है, फाइबर है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेट है और बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो हम लोग जो भी पॉलीमर पढ़ने जा रहे हैं आगे अगली क्लास में, उन सभी में क्या करेंगे हम लोग, ये सारा कुछ हम लोग लिखा करेंगे कि भाई कौन पॉलीमर किस तरह का है। सर छह तरह का जो टाइप है हम लोग लिखेंगे सभी पॉलीमर के केस में। अब देखिए पॉलीमर का जो मॉलिकुलर मास है वो हम लोग एक पार्टिकुलर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पॉलीमर का मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का मॉलिकुलर मास हम लोग एवरेज के टर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एवरेज, इन टर्म्स ऑफ एवरेज, मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एवरेज इन टू वेज। दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं मॉलिकुलर मास जो होता है एवरेज मॉलिकुलर मास डिफाइन करते हैं। पहला होता है मीन मॉलिकुलर मास, इसको क्या लिखते हैं एम एन से, जो होगा सिंपली क्या सिग्मा एम आई एन आई डिवाइड बाय सिग्मा एन आई, ऊपर सभी कंपोनेंट का मोलर मास इनटू नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। दूसरा होता है वेटेड, वेटेड मॉलिक्यूलर मास जो होता है एमडब्ल्यू, वो क्या होगा सिग्मा एम आई एन आई स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एम आई एन आई, सिग्मा एम आई और एन आई। ठीक है, ये वेटेड मॉलिक्यूलर मास फॉर एनी पॉलीमर, किसी भी पॉलीमर के लिए, फॉर एनी पॉलीमर वी डिफाइन पॉली डिस्पर्सन इंडेक्स पीडीआई एज, पीडीआई क्या होता है एमडब्ल्यू डिवाइड बाई एम एन, मतलब वेटेड मॉलिक्यूलर मास, वेटेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास और डिवाइड बाय मीन मॉलिक्यूलर मास एमडब्ल्यू डिवाइड बाय एम एन। ठीक है, पीडीआई जो होगा वो वेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय मीन मॉलिक्यूलर मास होगा। फॉर याद रखिए ये चीज आप, फॉर नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर के लिए एमडब्ल्यू वेटेड एवरेज मास और मीन एवरेज मास, मीन मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है, सिंपलाइज दैट पीडीआई वन हो जाएगा। और इस तरह के पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं मोनो डिस्पर्स पॉलीमर, इस तरह के पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं मोनो डिस्पर्स पॉलीमर। और फॉर सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर के लिए
जो एम डब्ल्यू होगा वो एम डब्ल्यू जो होता है वेटेड एवरेज मास एम एन से ज्यादा होता है मीन एवरेज मास से, और इसमें क्या होगा वन से ज्यादा होगा। और इस तरह के पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं पॉली डिस्पर्स्ड पॉलीमर। ठीक है, ये दो तरह का पॉलीमर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पीडीआई पॉली डिस्पर्सन इंडेक्स के आधार पर कर सकते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर हम लोग एवरेज के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और एवरेज दो तरह का होता है मीन एवरेज मास मीन मोलिकुलर मास और वेटेड एवरेज मास वेटेड मोलिकुलर मास वेटेड एवरेज मोलिकुलर मास आप कह सकते हो। तो इन दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं पीडीआई। नेचुरल पॉलीमर के लिए पीडीआई जहां वन होता है, सिंथेटिक पॉलीमर के लिए पीडीआई हमेशा ग्रेटर देन वन होता है, इसको क्या हम लोग पॉली डिस्पर्स्ड पॉलीमर कहेंगे। अगर पीडीआई वन होगा तो उसको हम लोग मोनो डिस्पर्स्ड पॉलीमर कहेंगे। तो ये जो है पॉलीमर का हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया, जिसके आधार पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी पॉलीमर का टाइप पढ़ेंगे उन सब में बारी बारी से पॉलीमर के प्रॉपर्टीज में हम लोग लिखा करेंगे कि किस तरह का पॉलीमर है, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज होगा, वो आप क्लासिफिकेशन के आधार पे समझ सकते हो।